हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि मार्क्यू का यूज हम कैसे कर सकेंगे और मार्क्यू में हम स्क्रॉल एनिमेशन यानी स्क्रॉल इफेक्ट दे पाएंगे, कैसे करेंगे इसको, आइए जानते हैं। सबसे पहले यहां पे मैं डॉक्यूमेंट टाइप में, फिर यहां पे लिखेंगे एचटीएमएल, ठीक है, और यहां से एचटीएमएल को शुरू करेंगे। तो एचटीएमएल कर दिया हमने, ठीक है, और एचटीएमएल के बाद टाइटल, हेड और बॉडी इसको, और टाइटल लिखने के बाद टाइटल है हमारा मार्क्यू स्क्रॉल इफेक्ट, ओके। यहां से इसको क्लोज करेंगे, टाइटल को, हेड को भी क्लोज कर देंगे। अब यहां पे बॉडी टैग लगा लेंगे हम, ठीक है, और बॉडी टैग में चूंकि हम यहां पे सीएसएस यूज करेंगे तो यहां पे स्टाइल टैग हमें लगाना कंपलसरी है, तो स्टाइल टैग हमने लगा लिया है। और अब यहां पर क्या करना है, हमें मार्क्यू देना है, ठीक है। तो मार्क्यू देने से जैसा कि आप जानते हैं कि टेक्स्ट या पिक्चर मूव करता है, तो यहां पे मार्क्यू लगाया हमने, और मार्क्यू लगाने के बाद यहां पर इसकी विथ देंगे हम, यानी विथ यानी चौड़ाई, ओके। तो विथ हम दे देंगे, यहां पे लिखा मैंने विथ, यहां पे 100 पिक्सल देता हूं मैं, विथ 100% दे देता हूं, पिक्सल नहीं परसेंट, ओके। और यहां पर टर्मिनेट करता हूं, फिर यहां पर इसकी पैडिंग देंगे, ठीक है, तो पैडिंग दे देता हूं मैं, पैडिंग कितना देंगे हम, पैडिंग को भी हम 10 पिक्सल रखेंगे, ठीक है। तो पैडिंग यहां रख लेता हूं मैं 10 पिक्सल, और 10 पिक्सल रखने के बाद यहां पर 0 दे देंगे और इसको टर्मिनेट करेंगे। और अब यहां पे बैकग्राउंड कलर की बात कर लेते हैं, तो यहां मैं लिखता हूं बैकग्राउंड कलर COLOR। हम ये CSS का एक तरह से देखा जाए तो प्रोग्राम हम देख रहे हैं, ठीक है, और यहां पे कलर मैं लगा देता हूं लाइट ग्रीन, ओके। मैं क्या लगाऊंगा, LIGST लाइट ग्रीन, ओके। तो यहां पर लगाया मैंने लाइट ग्रीन, और लाइट ग्रीन देने के बाद इसको टर्मिनेट करेंगे और कर्ली ब्रैकेट को भी करेंगे क्लोज। यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट हमने ओपन कर रखा था तो इसको क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे स्टाइल को भी क्लोज करेंगे। ये स्टाइल का यूज तभी करते हैं हम जब हमें सीएसएस यूज करना होता है, सीएसएस मींस कैस्केडिंग स्टाइल शीट, ओके। तो ये स्टाइल को भी क्लोज कर दिया हमने, ये सब कुछ एचटीएमएल में एम्बेड है, ठीक है। अब यहां पर हमें दूसरा वाला मार्क्यू देना है और स्क्रॉल इफेक्ट लगाना है इसका, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं मार्क्यू, ओके, और इसमें डायरेक्शन देंगे हम डायरेक्शन, तो इसमें हम डायरेक्शन दे देंगे इज इक्वल टू स्क्रॉल, ओके, SCROLL। तो यहां पे स्क्रॉल कर दिया हमने और यहां पे इसको क्लोज कर देंगे। यहां पे मैं लिखूंगा हेलो यू आर वॉचिंग कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल, ओके, ये लिख दिया हमने। अब यहां पे मार्क्यू को क्लोज करना है, ठीक है, तो यहां से क्लोज कर देंगे मार्क्यू को। इसके बाद जैसा कि आप जानते हैं कि बॉडी हमने क्लोज करा नहीं है, तो बॉडी को क्लोज कर देंगे, फिर एचटीएमएल को भी क्लोज कर देंगे, और एचटीएमएल को क्लोज करने के साथ साथ ही ये प्रोग्राम हमारा बंद करके तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से अब जाइए आप फाइल पे और यहां से सेव एज पे क्लिक करता हूं मैं, और यहां पर हम सेव करेंगे css.html में कर देता हूं, ठीक है। इसमें हमने कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज किया है, तो यहां पे ओके किया हमने, और यहां से इसको देखते हैं, ये सीएसएस नाम से ये प्रोग्राम आ रहा है, इस पर डबल क्लिक करते हैं, देखते हैं ये प्रोग्राम किस तरह से चलता है। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे आर के बीच में मैंने गैप नहीं दिया है, सो वी हैव, यहाँ पे गैप भी दे देते हैं, वी आर वॉचिंग, ठीक है, तो ये हमने गैप दे दिया, ठीक है। अगर पैडिंग की साइज हम इंक्रीज करें तो क्या होगा, जैसे सपोज कीजिए, अभी यहाँ पे इसको सेव करता हूं और इसको दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर देता हूं, तो अब ये देखिए ये गैप क्रिएट हो गया, यू आर वॉचिंग, वॉचिंग और कंप्यूटर के बीच में गैप हो गया है, कंप्यूटर एंड एक्सेल सॉल्यूशन चैनल, तो ये इस तरीके से ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब आगे देखते हैं कि ये पैडिंग को थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे हम, यानी 10 है ये पैडिंग, अगर हम पैडिंग को 30 कर दे तो क्या होगा। यहां पर 30 करता हूं और इसको सेव करता हूं यहां से, आइए देखते हैं कुछ इफेक्ट आता है या नहीं आता है, ठीक है। इसको 30 कर दिया हमने और डबल क्लिक करता हूं, तो ये देखिए पैडिंग करने से ये इसकी चौड़ाई बढ़ चुकी है जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है। आइए थोड़ा